हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है, इट्स बेस्ड ऑन दिस प्लेस कॉल्ड टेडी बॉय। ये सीपी में लोकेटेड है और ये काफ़ी अच्छी जगह लगी इन टर्म्स ऑफ फूड। तो खाना हम अभी 2 मिनट में देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल एंड लेट्स बिगिन। एम्बियंस तो यहाँ का था ही अच्छा, और सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया था बारबेक्यू चिकन। दिखने में ये चिली चिकन जैसा लग रहा है, बट इसमें बारबेक्यू सॉस थी तो बारबेक्यू का फ्लेवर था। हर जगह अगर आप बारबेक्यू चिकन लेते हैं तो आपको पता है कि वो बोन विद बोन आता है, और ये मुझे समझ नहीं आया कि ये चिली चिकन की तरह सर्व किया गया था इवन इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड जब मैंने वेटर से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये हमारे यहाँ ऐसे ही आता है, बट मेन्यू में तो कुछ और ही दिख रहा था, तो आई डाउट दैट। बट फ्लेवर्स इसके बहुत अच्छे थे एंड इट कॉस्टेड अराउंड 545 रुपीज़। अब ये है मुंबई स्टाइल पाव भाजी, और इसका जो ओवरऑल टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा था, स्पेशली जो ये मिंट चटनी रखी हुई है साइड में और अनियन के साथ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था ओवरऑल। क्वांटिटी हाउएवर आई फेल्ट थोड़ी कम थी, बट टेस्ट में ये परफेक्ट 515 था, और इसकी कॉस्ट है 455 रुपीज़। अब बात आती है सोया चाप पैकेट्स की। तो बेसिकली ये थे इनके सोया चाप पैकेट्स जिनकी कॉस्ट है 445 रुपीज़, और इसका जो फ्लेवर था ओवरऑल मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फ्रेंच फ्राइज अच्छे थे, बेसिक थे, बट ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आया, और मेरे टेस्ट बड्स को तो ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। आई वुड रेट दिस अ 2/5। एंड मूविंग ऑन, अब मैंने मंगवाया था क्रिस्पी बटर चिकन कुल्चा। टेस्ट की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा था, और प्रेजेंटेशन तो आप देख ही सकते हैं बिल्कुल लाजवाब, और ओवरऑल मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। आई वुड रेट दिस अराउंड 4/5। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर देना, माई हैंडल इज़ Thegobbleupcrunch, स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे रोज़ 2 वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो नहीं करते। और अगर आप इंस्टाग्राम से आए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आप ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे हो। मैंने मंगाया था स्पाइसी चिकन बर्गर, इसका टेस्ट हेवनली था। इसकी जो पैटी थी वो बिल्कुल मेल्ट हो रही थी माउथ में, और फ्रेंच फ्राइज तो इनके अच्छे थे ही, और जो ये सॉसेस के साथ सर्व किया गया था ओवरऑल वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाउएवर मुझे यहाँ पे एक चीज़ लगी कि हर चीज़ में फ्राइज और सेम सॉसेस रिपीट हो रही हैं, बट ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था। दिस वॉज फॉर 495 रुपीज़। अब बारी आती है लोडेड नाचोस की। इसको मैंने पता नहीं क्यों चिकन से लोडेड करवा दिया, फ्राइज अच्छे थे, सालसा अच्छा था, क्रीम अच्छी थी, बट जो ये मैंने लोड करवाया था इसको चिकन से, इसका फ्लेवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओवरऑल फ्राइज मुझे काफ़ी अच्छे लगे, एंड इसकी कॉस्ट थी 475 रुपीज़, बट मैं बोलूँगी कि बेसिक फ्राइज के साथ स्टिक करना वो ज़्यादा टेस्टी होंगे। हाइजीन फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जगह काफ़ी साफ थी, और मुझे पूरा एम्बियंस वगैरह काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फाइनली मैं हमने वाइंड अप किया ब्राउनी से। दिस इज़ जस्ट बेसिक ब्राउनी विद आइसक्रीम, हाउएवर इसमें बिल्कुल भी आपको एग की स्मेल नहीं आएगी। कई बार होता है कि हम ब्राउनी खाते हैं और उसमें गंदी सी एग की स्मेल आती है, वो इसमें नहीं था, तो ओवरऑल जो इसका टेस्ट था वो अच्छा था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टूडल्स।